तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। तुम लोग क्या है, सिलेबस तो मुझे खत्म करना है, सिलेबस तो मुझे खत्म करना है, तुम्हें थोड़ी क्लास में दिखाएंगे कुछ तो। अभी कौन सी क्लास हुई सुबह से? फिजिक्स हो गई और एक फिजिक्स है, बोर हो रहे? लग तो नहीं रहा बोर हो रहे हो, सबकी आंखें ऐसे खुली पड़ी है। कोई बात नहीं, सी आई टोल्ड यू अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम शुड नॉट बी लॉस्ट, मोमेंटम बना रहना चाहिए। डाउट है क्या पेपर में? क्या डाउट है सही में? मुझे नहीं लगता था, पेपर तो बहुत इजी बनाया था। कोई इसमें डाउट है? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, और अपॉन क्या है, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को ऊपर ले आओगे तो आ जाएगा कॉस थीटा ना, 1/sec थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जीरो। क्लियर? आ थू नेक्स्ट बोलो। टेन 720 मतलब टेन जीरो, कॉस 630 कॉस 270, कॉस 270 क्या होता है? जीरो वन
जीरो होता है लल्ले। साइन 150 तो लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30 हाफ, और कॉस 120 कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 तो माइनस 1/4 आ गया। हो गया क्या बोलूं मैं अभी, बस हाँ क्या 1/12। अच्छा कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 क्या होता है √3, तो कॉट स्क्वायर 30 क्या आएगा 3 माइनस टू कॉस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 है, माइनस 3 अपॉन पूरा है, पूरा है ना। फोर सेक्स स्क्वायर 45, सेक्स स्क्वायर 45 मतलब नहीं बे 3/4 है वो, हाँ 3/4 इंटू सेक्स स्क्वायर 45 है। सेक्स स्क्वायर 45 कितना आएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 4/4 3 माइनस 1 2 माइनस 2 0 आ रहा है। आगे बेटा बहुत दिनों बाद, तबीयत खराब थी क्या? 2 - 2 क्या होता है? और कोई डाउट? 17 12 cos square 1035, 1035 को क्या लिख सकते हो? टेन एट्टी माइनस 45, 1080 360 का ही मल्टीपल है, तो कितना आएगा cos square माइनस 45 और ये आएगा cot square 270, तो कॉस ऑफ माइनस 45 क्या आएगा 1/√2 का स्क्वायर हाफ, एंड कॉट स्क्वायर 270 टेन नाइन्टी जीरो होता है, नहीं टेन नाइन्टी नॉट डिफाइंड है, तो कॉट 90 जीरो होगा, कॉट 270 भी जीरो होगा।
नाइनटीन्थ और 20 19 में क्या है? कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाय 4 प्लस कॉस 14 पाई बाय 3। तो इसको कन्वर्ट करो, पहले कितना आएगा डिग्रीज में, कितना आएगा ये? इसको भी करो, कितना 840। सी कॉट ऑफ माइनस थीटा आता है माइनस कॉट थीटा, ये 840 को क्या लिख सकते हैं? 810। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रेफरेंस के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 720 प्लस 120, ये 2π होता है, तो कॉस 120 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हो माइनस कॉट 675 माइनस 360 315, तो ये आएगा माइनस कॉट 360 प्लस माइनस 45 और ये कॉस 180 माइनस 60, ये कॉट माइनस कॉट 45 और ये माइनस कॉस 60, माइनस इनटू माइनस प्लस, कॉट 45 कितना आएगा 1, कॉस 60 1/2। ठीक है, कौन सा 20, इसको क्या लिख सकते हैं? 1080 प्लस 150, और sec ऑफ माइनस 750 क्या आएगा? sec 750 आ जाएगा, ये आ गया sec 150 प्लस sec 720 प्लस 30। इसको लिख सकते हो sec 180 माइनस 30, ये आएगा sec 30, ये आ जाएगा माइनस sec 30 प्लस sec 30 0। कितने लोगों ने वो डीपी भी की थी जो मैंने दी थी आप लोगों, जिसमें एंगल्स निकालने थे कई सारे? हाँ यस, ट्रिगो डीपीपी 1 नाम से था। नहीं ये नहीं, दूसरी, अरे उसके अंदर था, कहाँ गया? एक तो यार तुम लोगों का ग्रुप नहीं बना अभी तक ठीक से, तो क्या 11th कॉमन में डालने से क्या ना तो तुम ट्रेस कर पा रहे हो ठीक से? आप लोग सब लोग B4 बैच में हो? ईवा पे? हाँ, मैं कह तुम सब लोगों के कम्युनिकेशन वही तो इश्यू हो रहा है अभी। मैं सबको 11th कॉमन पे डालता हूँ और 11th कॉमन में बहुत सारी चीज़ आती, तो इस वजह से कोई चीज़ मैंने डाली वो ऊपर चल जाती। अगर 11th B4 पे डालूंगा तो तुम लोग भी ट्रेस कर सकते हो ना, ये आई है।
मुझे याद है, मैं डाली तो थी ये। एसएल लूनी एक्सरसाइज 10 करके था, एसएल लूनी एक्सरसाइज 10। हाँ मैंने बोला था 28 to 36 स्किप करने के थे। एसएल लूनी एक्सरसाइज 10 करके एक डीपीपी थी, मतलब नाम था उसका, नाम बता दूं क्या है, ट्रिगो DPP1। एक बार सब लोग खोलो उसको, ट्रिगो DPP1। हाँ देखो खुल गई इसकी, ट्रिगो DPP1 खोलो सब, नहीं तो तू रहने दे, देखो पता भी नहीं क्या चलेगा। खोलो खोलो ट्रिगो DPP1। ये नहीं, ट्रिगो स्पेस DPP स्पेस 1। हाँ वो वाली खोल बेटा खोल। है अरे वो पहले वो ही दी थी मैंने सबको, तुम लोगों को एक और मैंने दी थी एक्स्ट्रा। हाँ देखो उसमें लिखा है ऊपर एसएल लूनी एक्सरसाइज 10 लिखा है। कहाँ खोली बेटा तुमने, खोलो ट्रिगो स्पेस DPP स्पेस 1, ट्रिगो स्पेस स्पेस, ट्रिगो स्पेस DPP1। हाँ खोलो सब लोग, हैंग होता है क्या? यस नहीं ये नहीं, देखो ये कैसे मिल रही है बेटा। ये एक्सरसाइज 10 सिर्फ, वो गलती से भेज दी थी यार, वो भेजनी थी मेरे को। खोला बेटा सबने, तेरा खोला ही नहीं? अबे खोल काका, इधर देख इधर, ये वाली सबको दिखना चाहिए कहाँ पे है, तेरे को मिला कहाँ है? हाँ यस खोलो खोलो, मैं तुम लोग पता ही नहीं कौन सी डीपीपी करनी। कितने लोगों ने अभी क्या बोलूँ की है, ढूंढी आज हमने, आज तो ढूंढी है, कब करेंगे। कितने लोगों ने फिर भी किया है इसको, ये वाला है एसएल लूनी एक्सरसाइज 10 लिखा है। 5 6 7 8 9 10। तो अभी आप सब लोगों को सबसे पहले तो ये करो असाइनमेंट इसका, ये करते तो ये ऐसे हो जाता है पेपर, पेपर बहुत इजी था। सॉरी ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस असाइनमेंट, ठीक है बहुत इजी है ये, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। मार्क्स क्या पूछूं,
चलो प्रूव करो इसको, इजी है, जस्ट कम इन अ मोमेंट।
हो गए इजी थे। सी इसको क्या लिखोगे, वन अपॉन साइन ए, और कॉटे को कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो तो इसको ऐसी पढ़ रहने दो, इसको कॉस मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी एस। यस कट जाएगा और सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वन हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग वन अपॉन वन बाय सी। ए मेरे को मार मत, तो सी आ गया कॉस ए, ठीक है सिंपल था। दूसरे मेथड से किया क्या आंसर कॉस ए आया तो ठीक है, आप किसी भी मेथड से करो आंसर वही आना चाहिए, बट लॉजिकल होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कैसे भी कुछ तो करके कॉस ए निकाल दो, है ना, ये नहीं करना है। मैंने देखा आप में से कई लोग काफी कुछ मतलब बहुत नया सोचते हैं मैथ्स में जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं है, मैथमेटिकली रॉन्ग बट न्यू मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। उस दिन किया था वो क्या किया था, ए की पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सैल्यूट है आपको। ठीक है ना, ये भी इजी है, ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो sec square a माइनस, देखो sec तुम्हें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, tan square a और sin square a, तो sec square a को क्या लिख सकते हो, 1 plus tan square a, cos square a को 1 minus sin square a, ये आएगा 1 plus tan square a minus 1 plus sin square a, 1 minus 1 कट जाएंगे and tan square a plus sin square a। इसलिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना ये एसएल दोनी एक्सरसाइज 5 से करा रहा हूँ, मैं आप लोगों को भेजता हूँ बाद में, पहले पहले वो करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के टारगेट्स रिलीज करने वाला हूँ। अभी आप लोगों का एक बार भी टारगेट रिलीज नहीं हुआ ना, क्वाड्रेटिक के टाइम पे नहीं लिए थे ठीक से, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस वो भी मैंने बीच बीच में दुआ था, ट्रिको के टारगेट डालता हूँ मैं, ओके 16th को आएगा तो 17, 18 घर जाने के टाइम नहीं, वो बहुत समय है घर जाने के टाइम, 19 की छुट्टी, 20, 21 23 छुट्टी है, तो छुट्टी से पहले गुरुजी का बर्थडे है तो 23 से पहले, ठीक है 7 दिन में टारगेट फिनिश करना है, उसके बाद टारगेट दूंगा सीधा मैं 24, 25, 26
27 को, पर 27 से पहले निकल जाएंगे कई लोग, तो मैं टारगेट दूंगा 24 को, 15 दिन का, 15 दिन के ज्यादा ही मिलेगा, 25 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तब तक हो भी जाएगा अपना काफी कुछ, तो कल एक तो टारगेट ले लेते हैं। हिंट दे, एक आइडेंटिटी है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में किसी से मल्टीप्लाई करो। अब किससे? हाँ, नेवले ने पकड़ लिया है। नवले, नवले, मैं थोड़ा नॉर्थ से ना बेटा, तो मुझे महाराष्ट्र के सरनेम्स थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है, मेरे को मराठी नहीं आती ना। मिस्टर यश को स्ट्राइक हो गया अभी, ठीक है बेटा? मैंने तेरे को इज्जत दी है मिस्टर यश या मिसेस यश। करो करो, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे काका, ये 1 नहीं हो जाएगा? लो 1 लिख भी दिया मेरे को, और क्वेश्चन देख ठीक से। ये क्या किया ये? अब ट्राई कर रहा था, ऐसे कटता है क्या? हे भगवान, कितना समझाने के बाद भी ये कुत्ते की दुम के जैसे हैं, कुत्ते की पूंछ। कितना भी सीधा करो सीधा नहीं। क्या क्या गलती क्या थी इसमें बता मेरे को, ऐसे काट सकते हैं क्या? लल्लू, कुछ तो कर रहा है अपने में, इसको कुछ नहीं सूझ रहा है। अबे डिन्नो को डाउन करो ना, मल्टीप्लाई करो डिन्नो को। आइडेंटिटी पता है ना कौन सी आइडेंटिटी है? सेकोटैन में एक ही आइडेंटिटी जानते हो तुम, और कुछ नहीं पता है तुम्हें, इतना सोचो मत। कौन सी आइडेंटिटी है सेकोटैन में? ये भी सोच रहा है, तू क्या कर रहा है छोकरे? सोच रहा है। मिस्टर ओम, क्या कर रहे हो? भरतनाट्यम बेटा, उसको देखने से सीख जाते हैं ना, तो कितने लोग भरतनाट्यम कर रहे होते हैं? साहिल, क्या नाम है? समर्थ, ओम, ओमकार। हाँ, समझ रहा है कुछ? गुड गुड। सीडी क्या कर रही है? सीडी सीडी कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ कर रही है। तेरा हो गया? अच्छा, तू वेट कर रही है कि उसका हो जाएगा, फिर मैं देख लूंगी। पता है मुझे,
सही जा रही है बेटा, गॉन। क्या हो गया, टैब चुरा लिया? अबे लड़कों के फोटो ले रहे हैं। बस 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 बस, अपने पुराने जन यहाँ पे मत लेके आओ, पुराने जन पुराने जन में रहने दो, नहीं तो अगला जन तुम्हारा वही हो जाएगा। सी, कई लोग सही कर रहे हैं पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी हरकत की है। आर्यन देख, वैसे तो ये सिंपल था, इसको मैं ऐसे काट सकता था और ये आ जाता आंसर 1 माइनस tan A / 1 प्लस tan A, राइट है ना? साहिल ये आ जाता ना 1 माइनस tan A / 1 प्लस tan A, नहीं तो क्या गड़बड़ है? गलत है कि गलत है? ऋतिक गलत है, जीशान गलत है, ही है उदय गलत है, सही है या सही में गलत है या गलती से सही है? उन्मेश सही है गलत है? गलत है, ऐसी हरकतें नहीं करते है। नहीं तो आपको श्राप मिलेगा। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। इससे करो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आएगा, s - t square, s² - t² ये क्या आएगा, 6² + 10² - 2st, नीचे क्या आएगा 1। सेक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan² ये कितना आ गया, 1 + 2t² - 2st, एंड प्रूव इट। कितने लोग आया, तुम लोग कर तो रहे थे, नहीं है क्या बात कर रहे हो, लास्ट स्टेप में अटक गए। अच्छा कितने लोगों ने ये अप्रोच की थी, s - t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई? ओके ठीक है, वेरी गुड, तो एटलीस्ट आप लोगों को सही डायरेक्शन तो पता चल गया, वो बीच में थोड़ा अटक गए वो अलग बात है, बट दैट इज ओके। वो पता है ना, सेक्स स्क्वायर को लिखा है 1 + tan² मैं देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि इजी वाले तुम लोग कर लो। नाच रहे हैं वो लोग, मेरे ख्याल से स्टेज पे लाके नाचाया जा रहा है, जो गलत क्वेश्चन नहीं कर रहा उसको। हम भी कर सकते हैं। हाँ भाई, किसको क्वेश्चन नहीं करना है, नचाऊंगा बेटा स्टेज पे।
जानते हैं कोई क्लासिकल डांस? हाँ कॉटे एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ। अभी क्लियर है? नहीं है। सी क्वेश्चन इज वन अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ये प्रूव करना है इट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए। हो गया? हो भी गया उसका क्या हुआ? नेल पॉलिश नहीं लगी? अरे वाह गुड। गुड आ गया। कैसे सीधा कैसे लिख सकती है? ठीक है ये ठीक है, तो ये क्या आएगा? नहीं ठीक है, इसको क्या लिख सकती है? अरे वन अपॉन साइन क्या होता है? ये वाली है माइनस से ना सिर्फ बाहर, उसको ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि वो तो पता है देखो वन बाय साइन हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस बाहर ले। करेक्ट यस कृष्णा, माइनस बाहर लेके ऐसे दिखेगा? माइनस कर लीजिए तो कैसे दिखेगा? कॉस ए के माइनस, नहीं कॉस ए के माइनस कॉट ए, माइनस माइनस ठीक है। नाउ देखो ये चाहिए, ये पार्ट तो मिल गया, अब इसको कैसे करेगी? यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी? हाँ जी, कोई क्रैक और कोई क्रैक कर पाया? माय गॉड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड, ऐसे खतरनाक चीजें करेगा ना वही। कौसे कैसे हो गया? हाँ वन अपॉन साइन है क्या होता है? कॉस ए, तो फिर कॉस ए के क्या होता है? कॉस ए के आएगा ना, कॉस नहीं आएगा। और किसी को स्ट्राइक हो रहा है? लेट मी सी,
वो अनिरुद्ध कहाँ गया? घर गया? नहीं वो, और नहीं जो कल आया था वो बीमार है। और वो कहाँ के लड़का? क्या नाम क्या बेटा? सार्थक। तूने कर लिया? दिखाई हो क्या किए? रफ में किया है? कुछ समझ नहीं आया। हाँ अच्छा, LHS RHS सॉल्व करके? हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हो, LHS RHS सॉल्व कर लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो देखो समझ में आ रही है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करोगे इसको? तुम चाहो तो LHS RHS दोनों सॉल्व कर दो तो भी आ जाएगा। (1/sin A) को लिख सकता हूँ cos, ये LHS है। 1/cos AK - cot A में मैंने किया cos AK + cot A cos AK + cot A, और ये -1/sin A को लिख दिया -cos AK। अब ऊपर क्या आएगा? cos AK + cot A upon cos² A - cot² A - cos AK। नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1। अभी cos AK और -cos AK कट जाएगा तो cot A आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हो तो उससे भी cot A आएगा। ये एक मेथड है, बट मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से राइट हैंड साइड भी जा सकता हूँ। कैसे? देखो कंपेयर करो, राइट साइड में क्या चाहिए तुम्हें? cos AK है ना ये। 1/sin A क्या होगा? दिस cos AK। तो मुझे एक LHS में cos AK मिल चुका है, बस इसको मुझे वैसे कन्वर्ट करना है। देखो बाहर माइनस लगा है तो मैं भी माइनस लगाता हूँ, मैं इधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा cos AK - cot A, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट तो मेरा मैच हो गया। देखो cos AK मैच हो गया, -sin मैच हो गया। अब नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में cos AK + cot A, तो क्या कर सकता हूँ? इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में चाहिए ना cos AK + cot A, तो इसको मैं क्या करता हूँ, cos AK + cot A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर दिख रहा होगा आपको। cos AK को 1/sin A लिख दो, ऊपर क्या आएगा? cos² A - cot² A अपॉन cos AK + cot A। इसको लिख सकते हो 1/sin A - 1/cos AK + cot A। ठीक है, समझ में आया क्या किया? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो RHS और LHS को अलग अलग सॉल्व कर लो, उससे भी हो जाएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले क्या किया, cos AK - cot A को cos AK + cot A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इससे ऊपर क्या बन गया? cos AK + cot A अपॉन cos X² A - cot² A, और 1/sin A को लिख दिया cos AK - cos AK लिखा। ये चीज 1 हो गई, तो क्या आया? cos AK + cot A - cos AK।
चाहते तो ये तो कट जाता, तो एक तो तरीका यहाँ तक कर लो, कॉज ए के माइनस कॉज ए के काट दो, कॉट ए बचेगा, एल एच एस सॉल्व हो गया, फिर आर एच एस सॉल्व कर दो, आर एच एस भी कॉट ए मिल जाएगा। या दूसरा मेथड क्या है, अगर यहाँ से आर एच एस जाना है तो क्या करोगे तुम, देखो कि कॉज ए के आर एच एस में क्या है, वन बाई साइन ए कॉज ए के, तो कॉज ए के तो मिल गया तुम्हें यहाँ पे, तो क्या चाहिए माइनस वन अपॉन कॉज ए के प्लस कॉट ए, तो माइनस साइन चाहिए, तो मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर निकाला, तो माइनस बाहर निकाला तो क्या बचेगा कॉज ए के माइनस कॉट ए, फिर कॉज ए के माइनस कॉट ए में क्या किया, ऊपर नीचे कॉज ए के प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था कॉज ए के प्लस कॉट ए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा कॉज ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए के प्लस कॉट ए विच इज वन, ठीक है, क्लियर होता है, तो मैं एक और डीपी भी डालता हूँ आज, जो भी आपके टारगेट्स होंगे उसमें तीन चार चीजें होंगी, मैं मिक्सचर बनाऊंगा, एक डीपी भी होगी बुक, एक आर एस अग्रवाल, एक स्टेट बोर्ड और एक और डीपी, मतलब डीपीपी आर एस अग्रवाल स्टेट बोर्ड, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा आपके असाइनमेंट्स में, ठीक है ना, तो आज मैं बनाता हूँ ये, आज मंडे है ना, ये आज ही बनाते हैं, क्लियर आईआईटी भी डोंट वेस्ट टाइम, अच्छा है, वन शुड बी मोटिवेटेड, लिखने से कुछ नहीं होता, हाँ मैंने बोला था, मैंने ऐसे बोला था, बाप रे, कब बोला था मैंने, ओहो माय गॉड, गर्ल्स गोइंग वाइल्ड, बेटा हॉस्टल की चीजें बाहर नहीं निकालते, व्हाट रिमेन्स इन हॉस्टल स्टेज इन हॉस्टल, क्यों बेटा तुम लोग अभी बाहर रह रहोगे, नहीं मिला अभी हॉस्टल, हमारी फ्रीडम चली रहेगी, हॉस्टल में बंदी बन जाएंगे, बस लेट हुई तो पार्किंग में पड़े रहेंगे, तुम लोग नहीं पढ़ते पार्किंग में, पता है मुझे, अच्छा सेपरेट ड्राइव है, प्रणव प्रवीण क्या, प्रवीण प्रवीण, तो आज तो मैंने सुना तुम्हारा स्पेशल आइटम थे, बस भालूशाही खिलाई आप लोगों को, तो भालूशाही बोलते हैं क्या, बोलते हम लोग भालूशाही बोलते हैं ना, वो परमेश्वर सर ने बनाई थी, पता है परमेश्वर सर कौन है, चश्मा लगाते हैं थोड़े से बॉल्ड